सर किसको खरी नहीं उतरी होगी. इट वॉज अ माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस. ऐसे जैसे पिक्चर आगे बढ़ती गई फिर मुझे एहसास हुआ, सी दिस इज वॉट इज नोन एज साउथ इंडियन फिल्म, इट मेड विद अ लॉट ऑफ ब्रेन्स. ओके, सो आम पब्लिक, आम ऑडियंस को हर एक एस्पेक्ट ऑफ द फिल्म को पसंद शायद ना भी करे, बट दैट इट हैज मेड विद अ लॉट ऑफ ब्रेन्स. बिकॉज ये जो बिल्डअप होना है ना ऑफ द यूनिवर्स वो बताया गया, तो उसके लिए टाइम लगा उनको बताने के लिए. तो लोग बोल रहे हैं बहुत लेंदी है. हाय गाइस, फिल्मी फीवर में आपका स्वागत है. दोस्तों इस वक्त है मेरे साथ मिस्टर बोंदू बोंग अंकल. देख लिया इन्होंने फिल्म कल की 2024 AD में आपने फिल्म देखा है. सर कैसी लगी, क्या एक्सपेक्टेशन थी आपकी? सर मैं 3 युग देख चुका हूँ, ठीक है. एक तो ये युग तो देख ही रहा हूँ, ठीक है. फिर बाद में श्री कृष्ण जी का जो युग था वो देखा हूँ, और आगे जो युग आने वाला है 900 हज़ार साल बाद 2898 में, वो युग भी देख चुका हूँ अभी इस मूवी के बाद. एनीवे, सो इट इज़ ऑल अबाउट अ डिस्टोपियन फ्यूचर, इट इज़ ऑल अबाउट अ पोस्ट एपोकैलिप्टिक वर्ल्ड, एंड हमारा जो पृथ्वी है वो तहस नहस हो जाता है, और उसके बाद चरम सीमा पर ये अन्याय अत्याचार होने लगती है. तो ऐसा ही माहौल में विष्णु जी के अवतार आते हैं हर युग में, ठीक है. ये जो कल्कि भगवान आने वाले हैं, ठीक है, वो 10वें अवतार है होंगे ऑफ भगवान श्री विष्णु. ये तो हमने हमेशा सुना है, लेकिन हाँ, आप ये बताइए, ये सब सुनकर हाँ, फिल्म देखने के लिए गए, जब आप फिल्म देखा तो फिल्म में आपकी एक एक्सपेक्टेशन होगी, क्या उस पर खरी उतरी है? सर किसको खरी नहीं उतरी होगी. इट वॉज अ माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस. शुरुआत में मुझे लगा था, इनफैक्ट मेरे ख्याल से आपका भी फ़ोन आया था जी. जब पिक्चर चल रही थी तो मैंने कहा यार मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा लग रहा है पिक्चर स्लो है, कुछ बैठ नहीं रहा है, जम नहीं रहा है यार. ये 600 करोड़ बजट में ये फिल्म बनी है, जम नहीं रहा है यार. रवि मैं क्या बोलूँ आपको फिल्म देख. तो जब जैसे जैसे पिक्चर आगे बढ़ती गई फिर मुझे एहसास हुआ, सी दिस इज वॉट इज़ नोन एज साउथ इंडियन फिल्म, इट मेड विद अ लॉट ऑफ ब्रेन्स. ओके, सो आम पब्लिक, आम ऑडियंस को हर एक एस्पेक्ट ऑफ द फिल्म को पसंद शायद ना भी करे, बट दैट इट हैज मेड विद अ लॉट ऑफ ब्रेन्स. बिकॉज ये जो बिल्डअप होना है ना ऑफ द यूनिवर्स वो बताया गया, तो उसके लिए टाइम लगा उनको बताने के लिए. तो लोग बोल रहे हैं बहुत लेंदी है. मैंने हमेशा कहा लेंदी फिल्म से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई कैन वॉच अ फिल्म. आई हैव सीन 10 कमांडमेंट्स, 3-3 घंटे की 2 हिस्से वाली फिल्म थी जब मैं छोटा बच्चा था. ओके, सो आई एम एक्सपेक्टिंग दिस कल्कि 2 टू कम अगेन विद अ 3 आवर ड्यूरेशन, सो मुझे कोई कंप्लेंट नहीं. अच्छा, नाउ टॉकिंग अबाउट मिस्टर जो सुप्रीम है, यास्किन सुप्रीम, सो ही इज़ अ 200 ईयर ओल्ड राक्षस, ठीक है. वो अपने आप को टेक्नोलॉजी के सहारे अपने आप को जिंदा रखा है, पर उसको पता चला है कि मुझे ना सीरम चाहिए, सीरम से मैं अपने आप को, मेरा एज को मैं रिवर्स कर सकता हूँ और ये पृथ्वी पे राज कर सकता हूँ. तो डैट इज़ द क्रक्स ऑफ द फिल्म. ओके, तो वो सीरम के खोज में है, और ऐसे एक कोक से सीरम मिले उसे जो 150 डेज पार कर चुका है, ठीक है ना. तो बड़ा नेगेटिव कैरेक्टर है कमल हसन जी का, बट हिज परफॉर्मेंस इज माइंड ब्लोइंग. ही इज ऑलवेज बीन माई फेवरेट एक्टर. रोल में फिलहाल नजर आए हैं, रन टाइम कम है, फिर हाँ, बहुत मजा आया. अमित जी सर, हाँ, नाउ के जमाने में तो आप छुट्टी लेकर आप जाते होंगे, नाउ टू, और आज भी देख लिया उनको. नाउ अमिताभ बच्चन जी टू मी ही वॉज एंड ही विल फॉरएवर बी फॉर मी द बेस्ट एवर महानायक एवर टू बी प्रोड्यूस्ड इन आवर कंट्री. इन 4-5 दशकों में मैंने जो देखा है, ही इज बीन अ माइंड ब्लोइंग एक्टर एंड ही शोन इट इन दिस फिल्म. प्रभास सर इज ओके, इज वेरी गुड, नो डाउट. एक नेगेटिव शेड है, ठीक है, वो यूनिट के लिए जीता है. यूनिट मीन्स पैसा,
ठीक है, वो ज़माने में पैसा पैसा नहीं रहेगा, यूनिट्स बोला जाएगा, ऐसा ऐसा बताया गया था। तो वो यूनिट्स के लिए जीता है, तो थोड़ा नेगेटिव शेड है उसमें, मगर मज़ा आता है। वो इवेंचुअली उस पर थोड़ा चेंज आता है और आगे चल के सेकेंड पार्ट में और चेंजेस शायद नज़र आएगा हमको। लास्टली कितने स्टार पाँच में से? सर कुछ मत काटो, कुछ मत काटो, द वी एफ एक्स इज माइंड ब्लोइंग। ऐसी पिक्चर, ऐसी वी एफ एक्स, ऐसा जो सी जी आई इफेक्ट्स है, आज तक हिंदी फिल्म बॉलीवुड या इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कभी नहीं दिखाई गई। ये फिल्म को सिर्फ बड़े पर्दे पे देखिए, वरना आप इस फिल्म के साथ नाइंसाफी करोगे। जाइए और ये फिल्म देखिए, मेरे तरफ से फुल ऑन मूवी। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस। क्या कहना है मिस्टी बोंदू बोंग अंकल जी का अबाउट कल्कि 2898 AD? इन्होंने वक्त निकाल कर फिल्म देखा, बारिश में मौसम के इस छोड़ पर इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और फिल्म देखा। दूसरी तरफ मैच भी चल रही थी लेकिन फिर भी इन्होंने फिल्म देखा। अब मैच का क्या नतीजा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, थिएटर्स बने हैं सिनेमास के लिए तो इन्होंने सिनेमा को देखा है। कुछ लोग मैच भी देखते हैं, बात अलग है, तो इन्होंने सिनेमा को देखा है और इन्होंने बहुत ही अच्छे से इन्जॉय किया है, चेरिश किया है। आप क्या कहना चाहते हैं कल्कि 2898 के इनके ओपिनियन को लेकर जरूर बताएं कमेंट सेक्शन पर। देखते रहे आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू सर। गॉड ब्लेस। गॉड